नमः शिवाय। भावहि मेट सकहि त्रिपुरारी, मेटत अंक कुअंक भाल के। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास प्रोग्राम भविष्यवाणी। आपके साथ मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। आज मैं आपके राशिफल के हिसाब से आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी बताऊंगा। आप 12 राशियों का भविष्यफल अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं और अपने आने वाले दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किसके भाग्य में खुशी है और किसे मिलता है गम और किसको मिलता है प्यार। सबसे पहले नज़र डालते हैं मेष राशि पर। मेष राशि वाले जातकों को 11 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच आपको स्वास्थ्य और रिश्तों को लेकर सजग रहना होगा। इस सप्ताह आपके नेतृत्व को सराहना मिलेगी। आपके द्वारा लिए गए फैसले सभी मानने को बाध्य होंगे और अभावितों के विवाह की बात बनने वाली है। कार्यों को तेजी देने के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे। आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में रहेंगे और नए कार्य व्यवसाय भी प्रारंभ करने की योजना बनेगी। वृषभ राशि वाले, वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो सकती है। सुख सुविधाओं पर खर्च भी होगा, साथ ही किसी पारिवारिक मांगलिक प्रसंग में जाने का अवसर भी आएगा। कठिन परिश्रम का सुफल आपको मिलने वाला है। आपको पारिवारिक सदस्यों की जरूरतों पर ध्यान देना होगा। संतान पक्ष के कार्य उत्तम होंगे। छात्र भविष्य की योजनाओं पर फोकस करते हुए स्टडी करें। मिथुन राशि वाले, आपके लिए यह खर्च वाला सप्ताह है, लेकिन सुखद यह है कि खर्च शुभ कार्यों में ही होगा। विद्यार्थियों को अपनी ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करते हुए कार्य करना है। नया बिजनेस शुरू करने का समय है। नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो भी शुभ रहेगा। आर्थिक मजबूती बढ़ेगी और निवेश के लिए भी सप्ताह शुभ है। सप्ताह के अंत में कुछ आंतरिक ऊर्जा में कमी महसूस करेंगे। कर्क राशि वाले, कर्क राशि के जातक अपने काम और परिवार के बीच तालमेल बिठाकर रखें। खासकर प्रेम संबंधों में सतर्क रहने की जरूरत है, वरना रिश्ता टूट भी सकता है। युवाओं को अपने प्रेम में पारदर्शिता रखनी होगी और अपने परिवार के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य पर नजर रखें। नए लोगों से संपर्क बनेगा। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों का सहयोग लेना पड़ेगा। सिंह राशि वाले, महिलाओं को धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति जागृत हो। सेहत पर ध्यान रखें। बाहरी खान पान करते वक्त और लोगों से मिलते जुलते समय संक्रामक रोगों का खतरा हो सकता है। अविवाहितों को विवाह का प्रस्ताव भी आएगा और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निभाना होगा। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की के अवसर मिलेंगे और कारोबारियों को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कन्या राशि वाले, 11 से 18 दिसंबर तक चलने वाला यह सप्ताह थोड़ा अप डाउन वाला रह सकता है। आपकी आंतरिक ऊर्जा कम होगी और आपके मन में नकारात्मक बातें ज्यादा चलेंगी। किसी से व्यर्थ का विवाद होने के कारण मानसिक कष्ट होगा। शारीरिक रूप से भी थोड़े परेशान रह सकते हैं और अपने क्रोध और वाणी पर संयम रखें, वरना नुकसान आपका ही होगा। तुला राशि वाले, सप्ताह में ग्रहों का इशारा है कि आपको उन लोगों को अनदेखा नहीं करना है जिन्होंने किसी ना किसी रूप में आपका सहयोग किया है। नए कार्य व्यवसाय के लिए समय उत्तम है। पुरानी ठप पड़ी योजनाओं को फिर से जीवित करें, लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों का स्थानांतरण भी हो सकता है। प्रतिस्पर्धियों से सतर्क रहने की जरूरत है और धन संबंधी मामलों के लिए सप्ताह ठीक रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, प्रेम संबंधों में डूबे युवा भी अपने पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। इस सप्ताह आपको नए प्रेम संबंध भी प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारियों के लिए पुराने समय से चली आ रही चुनौतियां दूर हो जाएंगी और अपने काम में नयापन लाने में कामयाब होंगे। नौकरी पेशा को जरूर उच्च अधिकारियों से अनबन हो सकती है। धनु राशि वाले, ये सप्ताह भाग्यशाली है। आप जो भी काम करना चाहते कर डालिए। इंतजार करें, नए बिजनेस, नई नौकरी,
प्रेम प्रस्ताव शब्द दे डालिए। सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। पारिवारिक जीवन में चल रहे विवादों का निपटारा होगा और इस राशि की महिलाओं को कोई उपहार भी मिल सकता है। चिकित्सा और इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े लोगों को उपलब्धि हासिल होगी। मकर राशि वाले, इस सप्ताह निजी जीवन में संतुलन बनाकर रखना होगा। अत्यधिक भागदौड़ का विपरीत असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। लंबे समय से जो काम अटके हुए हैं वो इस सप्ताह पूरे हो जाएंगे। आर्थिक लाभ का समय है। किसी विशेष कार्य से पैसा कमाने का अवसर आएगा। प्रेम संबंध प्राप्त होगा या जो संबंध पहले से ही चल रहा है उसमें गर्माहट आएगी। कुंभ राशि वाले, प्रेमी प्रेमिका विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। अपने संबंधों में दिमाग की वजह दिल से काम लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, बीमारियों पर हो रहे खर्च में कमी आएगी। खासकर बुजुर्गों को लंबे समय से जो परेशानी बनी हुई है वह दूर हो जाएगी। विवाह प्रस्ताव मंजूर होगा। मीन राशि वाले, इस सप्ताह के अंत में कार्य की अधिकता के कारण भारी थकान का अनुभव करेंगे। आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए योग मेडिसिन जरूर करें। इस सप्ताह आपको अपने क्रोध और वाणी पर संयम रखना होगा, वरना रिश्ते खराब कर बैठेंगे। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिलेगी। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत के लिए समय ठीक है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है। इस सप्ताह का मंत्र ओम ह्रीम हराय नमः। ओम ह्रीम हराय नमः मंत्र का सभी लोग जप कर सकते हैं। इसको जप करने से आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी, नेगेटिवता नकारात्मकता घटती चली जाएगी स्वयं। ओम नमः शिवाय।